ठीक है, अगर बोर होने लग जाओ तो वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा से थोड़ा इधर उधर घूम के फिर देखना है। अभी हम इसको जल्दी फिनिश कर देंगे, फिर आपको बोर्ड वाला ही वर्क बताएंगे, तो उसमें आपको एक्साइटमेंट रहेगा क्योंकि फिजिक्स तो खुद ही एक एक्साइटमेंट है। तो अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेज की। फंडामेंटल फोर्सेज दैट मीन्स बेसिक फोर्सेज। ठीक है, अब सुनो भाई ध्यान से, अब मैं बोलने ही बोलने वाला हूं, खूब बोलूंगा मैं। अब इसमें क्या होता है कि यूनिवर्स के अंदर जो भी मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर दो टाइप की फोर्सेज अप्लाई होती हैं, और वो दो टाइप की फोर्सेज कैसे अप्लाई होती हैं इसके बारे में काफी सारे सालों से स्टडी होती आ रही है। एक फोर्स उसमें से होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए गए, बॉल को उछाला गया, नीचे गिर गई, ग्रेविटेशनल लग रहा है। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ग्रेविटेशनल लग रहा है। अर्थ के चारों चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है, ग्रेविटेशनल लग रहा है। हम लोग सैटेलाइट को ऊपर की तरफ छोड़ते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे पहुंचता है, और हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फ्रीली फॉल करते हैं तो वो अर्थ पे गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब मास जिस किसी कंडीशन में है, मास जब भी अप्लाई होता है जिस किसी बॉडी के पास में मास होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को शो करती है, नंबर एक बात। तो अलग अलग चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते ही गए करते ही गए करते ही गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, जो भी ऑब्जेक्ट नजर आया उसी के ऊपर थ्योरी अप्लाई करके देखी कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर उनको छांट लिया। छांट लिया मतलब जिन जिन बॉडीज के ऊपर, जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उनको अलग कर दिया, और जिन पे नहीं लग रहा था उनको अलग कर दिया। ठीक, फिर देखा गया कि ये इतनी कैटेगरी वाले तो ग्रेविटेशनल में आ गए, तो अब बाकी के जो बचे हुए हैं ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे। तो उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए। एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट होते गए और उनसे हमें पता लगा कि हमारे पास में कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि इन बची हुई ऑब्जेक्ट और बॉडीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और उनको जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, जैसे फ्रिक्शन, कंडक्शन और क्या बोलते हैं उसको, इंडक्शन अगैरह वगैरह जो भी हैं आपके, वो अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल रही हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स बदलने के साथ साथ में उनमें ये पता लगने लग गया है कि इन बॉडीज के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज वर्क कर रही है जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलने में, उसकी मतलब मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बदलने में वो सपोर्ट कर रही है। और वो चीज थी चार्ज। क्या थी? चार्ज, जो कि बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मटेरियल की। अब उस चार्ज बॉडी को अगर हम दूसरे किसी बॉडी के पास में लेके जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करती है, मतलब एक फोर्स वहां पे अप्लाई होने लग जाता है उस चार्ज की वजह से, उस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो ऐसे बाकी के जितने भी फोर्सेस आप जानते हैं, किसी भी फोर्स का नाम ले दो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, सिर्फ न्यूक्लियर को छोड़ के, वो सारे के सारे फोर्सेस किस में आ गए? वो सारे के सारे फोर्सेस आ गए इलेक्ट्रिकल फोर्स में। और वो जो चार्ज था जिसकी हम बात करें, जिसकी वजह से ये फोर्स अप्लाई हो रहा था, उसमें हम काफी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। ये बोर्ड पे जो मैंने लिखा है ना, बोर्ड पे जो भी मैंने लिखा है, ये स्याही इसके ऊपर चिपक गई है, ये इंक इस बोर्ड के ऊपर चिपक गई है, ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। ये क्यों चिपकी है इसके ऊपर? क्योंकि इन दो इस बोर्ड के पार्टिकल्स और उस मार्कर के आगे की जो निब है, जैसे ये निब है, इससे निकलने वाली जो स्याही के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या हुआ था? फ्रिक्शन हुआ था। उस फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो गई, और चार्ज होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। तो इसको वैसे तो हम लोग बोल सकते हैं कि एडहेसिव फोर्स है। एडहेसिव क्यों है? क्योंकि हम लोग, स्याही अलग मटेरियल है और ये आपका बोर्ड अलग मटेरियल है, तो दो अलग मटेरियल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को एडहेसिव फोर्स बोल सकते हैं हम लोग, तो हमने उसका एक अलग नाम रख दिया। वैसे ही अगर हम इसको देखें, इस मार्कर को देखें, तो इस मार्कर के अंदर ये जो हमारी
जो मार्कर की जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो पाइप बनी हुई है, इस पाइप के जो अंदर जो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, वो किसकी वजह से पकड़े हुए हैं? वो भी एक इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से पकड़े हुए हैं, और उस फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, सेम मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अप्लाई होता है। मतलब हमने नाम अलग अलग रख दिए, जैसे हमने एक बॉल ली, उस बॉल को हमने एक मटेरियल में, एक लिक्विड में गिराया, गिराने के बाद में जैसे ही वो बॉल उस मटेरियल के अंदर से पास होती है तो उसके उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, जिसका रीजन है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर हमने हाई डेंसिटी का ले लिया तो वो और एक बार पहले पानी में गिराया तो 2 सेकंड में पैंदे में पहुंचती है, दूसरी बार ऑयल में गिराया तो 3 सेकंड में पहुंचती है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास से जैसे वो गुजरेगी, जैसे ये एटम है इसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अब ये दूसरी बॉडी है इसके ये एटम्स हैं, जैसे वो उसके पास से गुजरेगी तो ये एटम जो है ये इसको तोड़ के अपने साथ ले जाएगी, तो इनका चार्ज चेंज हो गया, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। तो उस केस में भी क्या हो गया, उस केस के अंदर बॉडी जो है वो जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इलेक्ट्रॉन टूट गया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो नेगेटिवली चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज, तो इस ऐसे निकल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गई, ये बॉल ऐसे पास होगी तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसको वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, इसलिए ये वापस एक फोर्स लगाता है ये लिक्विड, तो उसको विस्कस फोर्स बोल देते हैं हम। सरफेस टेंशन की बात कर लें हम लोग, सरफेस टेंशन भी क्या है, सरफेस टेंशन भी एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन भी एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है। मतलब जितने भी फोर्सेस के बारे में आप, बाकी फोर्सेस के बारे में आप जानते हैं वो सब क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो हमारे पास दो कैटेगरी आई। अब दिक्कत ये हुई कि जैसे जैसे मॉडर्न फिजिक्स आई तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फिर एटम की डिस्कवरी हुई, एटम के बाद में न्यूक्लियस के बारे में बताया गया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो फिर पहले ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सब लोगों ने देखा कि भाई प्रोटॉन जो है वो अगर न्यूक्लियस में होते हैं तो दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और अगर वो दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो फिर वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए कैसे हैं। तो इस केस में सब लोगों से पूछा गया कि बताओ भाई ये कौन सी कैटेगरी में शामिल करें, ग्रेविटेशन में शामिल करें या इलेक्ट्रिकल में शामिल करें। तो सब लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी लगाई, एनालिसिस किया, और फिर किसी को कुछ बात समझ में नहीं आई तो उन लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की और बाद में फाइनलाइज करके बताया गया कि ये कोई तीसरा फोर्स है, और उस तीसरे फोर्स के लिए फिर चेक किया गया तो तीसरे फोर्स का नाम आते ही सारे जितने भी साइंटिस्ट थे और वो सारे लग गए उसमें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यूक्लियस को तोड़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने न्यूक्लियस को तोड़ना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस को जैसे ही वो ब्रेक करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली फोर्सेज के साथ में बंधे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट फोर्स के साथ में वो बंधे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो फोर्स लग रहा है इसको हम न्यूक्लियर फोर्स का नाम देते हैं, और ये जो बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है तो इस वजह से इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का नाम दे दिया उन्होंने। लेकिन बाद में जैसे ही उन्होंने न्यूक्लियस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में जो अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स का जो उसमें से डिके हो रहा था, जो डिके हुआ जैसे एटम बम बना था, एटम बम के बाद में उस काफ़ी सारी स्टडी हुई, अलग से एक ब्रांच बना दी गई न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से, तो उसमें जो काफ़ी सारी स्टडी हुई उसमें देखा गया कि बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर जैसे ही उनको न्यूक्लियस को ब्रेक किया गया तो उसमें से निकले हुए जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर भी फोर्स लग रहा था, लेकिन वो फोर्स कंपेरिजन टू दी इंटरनल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसके बजाय कम था। तो फिर बोला गया कि भाई इस फोर्स को क्या नाम दिया जाए, तो उन्होंने मतलब डिसाइड किया कि भाई ये उससे कम लग रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम दे दें उसको, और इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स नाम दे दें। इस तरीके से फंडामेंटली अगर हम देखें तो हमारे यूनिवर्स में 4 टाइप के ही फोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस तरीके से 4 फोर्सेज होते हैं। तो इन 4 फोर्सेज के बारे में अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू मास ऑफ द बॉडी, ड्यू टू मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास की वजह से। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, जिसका कम होगा वो कम फोर्स अप्लाई करेगी। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल फोर्स की, इलेक्ट्रिकल फोर्स ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? चार्ज की वजह से, ड्यू टू चार्ज ऑफ द बॉडी, ड्यू टू चार्ज ऑफ द बॉडी, बॉडी और ऑब्जेक्ट। जिस बॉडी का चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, जिस बॉडी का चार्ज कम है वो कम फोर्स अप्लाई करेगी। अब अगर हम इनकी रेंज देखें, इसकी और इसकी रेंज, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स की रेंज की बात करेंगे, ये कितनी दूरी में अप्लाई होता है? तो देखिए दोनों ही इनफाइनाइट रेंज तक अप्लाई होते हैं। इनफाइनाइट रेंज तक हम कैसे बोल सकते हैं? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपको पता है कि सन और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा है। अब सन और आपका जो बहुत सन से बहुत ज्यादा दूर वाला जो प्लैनेट है, जैसे नेपच्यून है, जुपिटर है और भी हैं, उनके ऊपर भी सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस और गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे ऐसे तारे हैं और बहुत सारे ऐसे और भी प्लैनेट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो रिवॉल्व हो रहे हैं। तो इसकी रेंज कितनी है? इनफाइनाइट। अब अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की रेंज भी कितनी होगी? इनफाइनाइट ही होगी। क्यों? क्योंकि देखो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी अभी हम लोगों ने स्पेसशिप भेजा था, मून पे भी भेजा हम लोगों ने और मार्स पे भी भेजा। तो मून और मार्स पे जो स्पेसशिप हम लोग भेज रहे हैं उसमें क्या होता है, उसके सिग्नल हम तक पहुंच रहे हैं। कितनी डिस्टेंस है वो? बहुत ज्यादा, मतलब कई करोड़ों और कई अरबों किलोमीटर की डिस्टेंस है वो। तो उसके अंदर भी हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब वो सिग्नल किसकी वजह से पहुंच रहे हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से ही वो सिग्नल हम तक पहुंचते हैं। तो इसकी रेंज भी कितनी हुई? इसकी रेंज भी आपकी इनफाइनाइट हुई। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर फोर्स की, न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो कहां होगी? देखिए ये एटम है और एटम का ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो इस एटम के अंदर ही होती है। समझ में आ रही बात आपको? इसके बाहर इसकी रेंज नहीं होती है। दैट मींस 10^-14 टू 10^-15 मीटर, 15 मीटर ये इसकी रेंज होती है। इतनी रेंज मतलब लो रेंज के होते हैं ये। क्या होते हैं? लो रेंज के, बहुत ज्यादा लो रेंज के होते हैं। मतलब इनका पावर बहुत ज्यादा है, इनका पावर जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। मतलब फोर्स की जो वैल्यू है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में वो बहुत ज्यादा है, जबकि इनकी रेंज बहुत कम होती है इसकी रेंज। फिर इसको अगर रेंज वाइज देखें तो सबसे कम रेंज इस सॉरी अगर इनको फोर्स वाइज देखें तो सबसे कम फोर्स ये होता है, उसके बाद में ये होता है, उसके बाद में न्यूक्लियर का वीक फोर्स, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग फोर्स। इस तरीके से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फोर्स। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका कंजर्वेशन लॉ। क्या आता है? कंजर्वेशन लॉ। देखिए कंजर्वेशन लॉ के बारे में बताता हूं आपको। कंजर्वेशन लॉ इसमें एनर्जी कंजर्वेशन आ सकती है, इसमें मास कंजर्वेशन आ सकता है, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन आ सकता है, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम ले सकते हैं। तो देखो सुनो, इसके बारे में मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं मैं? ये बता चुका हूं आपको कि आपको जो रिसोर्सेज नेचर से मिले हुए हैं, चाहे वो एनर्जी की फॉर्म में हो, चाहे वो मास की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। ना तो हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ हम एक काम जरूर कर सकते हैं, वो हमें भगवान ने एक तरीके से खेलने के लिए दे रखे हैं। हम लोग उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, उनकी फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं, बट नॉट क्रिएटेड एंड
नॉट डिस्ट्रॉयड। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। और आज तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट या कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं हुआ है जिसने सुई की नोक जितना भी कोई मटेरियल या कोई एनर्जी को प्रोड्यूस किया हो और सुई की नोक जितना मटेरियल या फिर एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया हो। सिर्फ और सिर्फ हम उससे क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे कोल को ले लीजिए, जैसे कोयला है, कोयला हमने अर्थ से हमारे नेचर से हमें कोयला मिला, उसको हम लेके गए, हम थर्मल पावर प्लांट में लेके गए, थर्मल पावर प्लांट में उस कोयले से हमने हीट प्रोड्यूस की, उस हीट से हमने टर्बाइन को घुमाया, टर्बाइन को घुमाने से टर्बाइन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी से, और मैकेनिकल एनर्जी से हमारा जनरेटर जो है वो घुमा, डायनामो घुमा, और डायनामो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने मतलब इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करके हमने उसको एक पॉइंट से उस थर्मल पावर प्लांट से हम अपने स्कूल में लेके आए, और उस स्कूल हमारी स्कूल में लाने के बाद में उस पावर सप्लाई से हमने 220 वोल्ट बनाया, और उस 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से हमने अपना कैमरा लगाया, और उस कैमरे से हमने एक माइक लगाया, और वो कैमरा मेरी फोटो बना रहा है और मैं आप लोगों को उस माइक के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। देख लो कितना लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस जरूर हुआ, लेकिन किसी भी केस में, किसी भी स्टेप में जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है वो बिल्कुल किसी भी सूरत में डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, वो चेंज हो रही है, उसकी फॉर्म चेंज हो रही है। जैसे फाइनली सपोज कीजिए कि आपको भगवान ने ना 1000 आइटम दिए, और उन 1000 आइटम को जैसे ही आप सुबह उठे और आप लग गए, बस इसको इधर रख दिया, उसको उधर रख दिया, उसको उधर रख दिया, उल्टा सीधा कर दिया, और फिर शाम को जैसे ही आप सोए भगवान ने फिर से काउंट किए, तो कितने मिलेंगे उसको, 1000 के 1000 ही। फिर से उसने उनको व्यवस्थित किया, और सुबह फिर आप उनको उल्टा सीधा रख देते हो, फिर से वो काउंटिंग करते हैं, तो उनको कितना मिलता है, 1000। मतलब पूरे यूनिवर्स को चलाने वाली एक पावर है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। हम सिर्फ उस यूनिवर्स के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, जिस उस पावर ने जो रिसोर्सेज हमें दिए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर स्टडी करते हैं, उनको समझते हैं, और अपनी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए उनको यूज में लेते हैं, और उनको यूज में लेने का अलग अलग मेथड बना लेते हैं, अलग अलग तरीका बना लेते हैं। अब इसी चीज को आगे फॉरवर्ड करते हुए मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम लोग, अगर हम बात करें साइंटिस्ट और इन्वेंशन की, जो इन्वेंशन हुए हैं उनकी, तो देखो टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये बताता हूं मैं आपको, टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो जिस कैमरे से मेरी ये पिक्चर बनाई जा रही है, मेरी ये जो वीडियो बनाई जा रही है, और जिस माइक्रोफोन से ये आवाज रिकॉर्ड हो रही है, ये दोनों चीजें एक प्रिंसिपल बनाया गया सबसे पहले, उस प्रिंसिपल से इंजीनियरिंग दैट मींस टेक्नोलॉजी के थ्रू एक मशीन बनाई गई, समझ रहे हैं आप लोग, उस मशीन को हमने वीडियो कैमरे का नाम दे दिया, और उससे हम लोग अपनी एक रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसको हम कई सालों तक हम उसको सेव करके रख सकते हैं, और जब रिक्वायरमेंट हो हम उसको यूज में ले सकते हैं, ये चीजें होती हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, आप कार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार की जब डिस्कवरी हुई, जब वो बनाई गई, तो उसमें प्रिंसिपल्स यूज हुए, मतलब प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना, फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अगर हम इंप्लीमेंट कर देते हैं काफी सारी चीजों को एक साथ जोड़ के, तो उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। जैसे बर्नौली का प्रिंसिपल है, अभी आएगा आपके इसी 11th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे बर्नौली का प्रिंसिपल। उस बर्नौली के प्रिंसिपल में आप समझेंगे कि हवाई जहाज जो है आपका एरोप्लेन, वो कैसे उड़ता है, वो कैसे उड़ता है। तो उस बर्नौली के प्रिंसिपल में की वजह से ही आपकी एरोप्लेन बनी, जो कि कई हजार किलोमीटर को कुछ घंटों में तय कर लेती है, और उस एरोप्लेन की वजह से ही हम लोग आज स्पेस एजेंसी बना के बैठे हुए हैं, स्पेस के बारे में हम लोग जानकारियां ले रहे हैं, वहां पे जा भी रहे हैं, वहां पे अपने स्पेस शिप सैटेलाइट भी छोड़ रहे हैं।
तो मतलब होता क्या है, जो प्रिंसिपल होते हैं ना उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती हैं सारी चीजें। जैसे हाइड्रोस्टेटिक है, जैसे आपने देखा होगा जेसीबी मशीन, वो पूरी हाइड्रोलिक होती है। हाइड्रोलिक आपको बताएंगे इसी 11th क्लास में, जब हम पढ़ेंगे तब आगे के फर्दर लेसन्स में आएगी। मतलब सीधा सा सिंपल सा एक ही लॉजिक है, वो क्या है, टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के बीच का रिलेशन। फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अगर किसी मशीन के थ्रू रिप्रेजेंट या इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, एक मशीन बना दी जाती है उन प्रिंसिपल्स को यूज में लेके, तो हम उसको बोल देते हैं क्या, हम उसको बोल देते हैं टेक्नोलॉजी। नंबर वन बात। दूसरी बात है साइंटिस्ट और इन्वेंशंस। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हुए हैं उन्होंने अलग अलग टाइप के इन्वेंशंस किए हैं, और उन इन्वेंशंस का आपको अपने बुक के अंदर एक चार्ट मिलेगा, उसके साथ साथ एक और चार्ट और मिलेगा जिसमें प्रिंसिपल्स और टेक्नोलॉजी के बारे में होगा। तो ये जो चार्ट है इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, खास करके जो साइंटिस्ट जिनके बारे में आप लोगों ने ज़्यादा सुना है उनके बारे में भी आपको उस चार्ट में पढ़ना है, और इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उनको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, उनके बारे में भी पढ़ना है, और जो टेक्नोलॉजी आज आप यूज ले रहे हैं उनके बारे में भी आपको इसके अंदर अच्छे से समझना है। तो ये चार्ट जो है ये आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, इनके बारे में आप खुद स्टडी कर सकते हैं। तो चार्ट दैट मीन्स एक टेबल दी हुई है, ये चीज़ें हैं ये फिजिकल वर्ल्ड में आती हैं। फिजिकल वर्ल्ड का जो चैप्टर है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद में मुझे लग रहा है कि आपको फिजिक्स की दुनिया अच्छी लगी होगी, और आने वाले चैप्टर्स में आपकी जो फिजिक्स की दुनिया है वो और भी एक्साइटेड होने वाली है, और भी आपको एक्साइटमेंट उसमें मिलने वाला है। तो फिजिक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है, मतलब साइंस ही फिजिक्स है, मैं तो ये कहूँगा, आप इस चीज़ को अदरवाइज मत लेना। बाकी कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि फिजिक्स के अलावा बाकी साइंस की जो ब्रांच है वो कचरा है, ये बात कहना गलत होगा। लेकिन सीधा सा सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ मैं आपको, फिजिक्स इज द ग्रेट ब्रांच ऑफ द साइंस, बस इतना समझना है आपको, और इसी चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे लेशन के बारे में, फिजिक्स के बारे में, और आपकी नई स्ट्रीम जो आप 11th क्लास में लेने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको दो लेक्चर्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी बातें हो सकती थी मैंने आप लोगों को बताई। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा अपना वो होगा यूनिट एंड मेजरमेंट्स, सेकेंड यूनिट है आपकी इसी फर्स्ट बुक की। फिजिक्स में दो बुक्स चलेंगी जिसमें फर्स्ट बुक की सेकेंड यूनिट है। तो आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और संक्रमण से बच के रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।